हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद आमकी। आई होप गाइस यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक और नया क्यू कार्ड शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को क्यू कार्ड में प्रॉब्लम आती है। सो डोंट वरी, सभी के डिमांड के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप वीडियो मैं अपलोड करूँगी, चाहे फिर वो किसी भी मॉड्यूल से रिलेटेड हो। ओके, सो आज जो मैंने टॉपिक पिक किया वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और आपकी डेली लाइफ से वो रिलेटेड भी है। ठीक है, इसमें जो आइडियाज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, ईजिली आपको लर्न भी हो जाएंगे वो सारे। ठीक है, इस वीडियो में फॉलोअप्स मिलेंगे, वो कैबलरी एडियम्स कॉम्प्लेक्स एंड टेंसेस हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो आज का जो टॉपिक है वो है डिस्क्राइब समथिंग दैट हेल्प्स यू टू कंसंट्रेट। आपने वो चीज़ बतानी है जो आपकी हेल्प करती है कंसंट्रेशन में। शॉर्ट में बताऊँ वो कौन सी चीज़ है जिससे आपका कंसंट्रेशन है वो इम्प्रूव होता है, उस चीज़ के बारे में आपने एक्सप्लेनेशन देनी है 2 मिनट्स तक। ठीक है, कौन सी चीज़ है जिससे आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है? ओके, आई होप अच्छे से क्लियर होगा आपको व्हाट इट इज़। नेम बताना है उसका कि क्या नेम है। व्हेन यू डू इट, आप कब करते हो उस चीज़ को। ठीक है, आप लोगों ने कैसे उसको लर्न किया और कैसे वो आपकी हेल्प करता है, ये 4 क्या है हमारी बुलेट पॉइंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं एक प्रॉपर वे से क्यू कार्ड को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, उससे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगी जर्नल लाइन, देन बुलेट पॉइंट्स एंड लास्ट में कंक्लूजन। इस पूरे में मेन बात किसकी हो रही है, कंसंट्रेशन की हो रही है। सो दैट्स द मेन रीज़न कि जो हमारी जर्नल लाइन होगी वो कंसंट्रेशन से रिलेटेड ही होगी। ओके, सो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम सैम्पल आंसर को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैंने क्या बोला, वेल वी ऑल आर लिव इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा। हम लोग कंटेम्प्रेरी एरा में रह रहे हैं। एवरी वन वॉन्ट टू गेट सक्सेस इन देयर लाइफ, हर एक पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेस को पाना चाहता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, सक्सेस के लिए दे गिव मच प्रेफरेंस टू हैक्टिक स्केड्यूल। सक्सेस को पाने के लिए वो क्या प्रेफरेंस करता है, हैक्टिक स्केड्यूल को, मतलब वो दिन रात काम करता है, बिजी रहता है वो दिन रात। ठीक है, विच लीड्स टू प्लेथोरा ऑफ हिंड्रेंसेज इन देयर फोकस। वो बिजी रहता है सारा दिन, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है उनके कंसंट्रेशन में। ठीक है, मतलब जब वो सारा दिन काम करता है तो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। ठीक है, प्लेथोरा क्या होता है, प्लेथोरा का मतलब होता है मैनी, हिंड्रेंसेज का मतलब होता है प्रॉब्लम्स। ओके, टू बी ऑनेस्ट, कॉन्सेंट्रेशन प्ले अ वेरी पार्ट एंड पार्सल रोल इन एवरी पर्सन लाइफ। मैंने क्या बोला कि जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो हर एक पर्सन की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, पार्ट एंड पार्सल होता है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन हर एक पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आई डू मल्टीफेरियस थिंग्स इन ऑर्डर टू अमिलोरेट इट। मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ अपनी कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करने के लिए। मल्टीफेरियस होता है मैनी, अमिलोरेट होता है इम्प्रूव। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करती हूँ अपनी कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे वॉकिंग, योगा, फिज़िकल एक्सरसाइज और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो मेरे द्वारा की जाती हैं। किसके लिए, कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करने के लिए। सो ये पूरी क्या होगी हमारी जर्नल लाइन। इसमें हमने बात क्या की है कि हम कंटेम्प्रेरी एरा में रह रहे हैं, हर एक पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहता है। ठीक है, सक्सेस को पाने के लिए वो दिन रात काम करता है, उसकी वजह से क्या होता है कि उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कंसंट्रेशन की फेस करनी पड़ती है। अगर मैं ईमानदारी से बोलूं तो कंसंट्रेशन हर एक पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन मैं भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करती हूँ अपनी कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि योगा हो गया, फिज़िकल एक्सरसाइज हो गया और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं करती हूँ जिससे मेरा कंसंट्रेशन इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि वो है कौन सी चीज़ जो आपका कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव करती है। सो मैंने बोला हियर आई एम गोइंग टू आर्टिकुलेट अबाउट दैट एक्टिविटी विच इनकलकेट माई फोकस, इट्स नॉट अदर दैन म्यूज़िक।
मैंने बोला कि यहाँ भी मैं आर्टिकुलेट करने वाली हूँ। आर्टिकुलेट का मतलब होता क्या है? आर्टिकुलेट होता है एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो एक्टिविटी जिसके साथ इनकल्केट होता है मेरा फोकस। इनकल्केट का मतलब होता है इंक्रीज होना, ठीक है। इनकल्केट को हम लोग इंक्रीज भी बोलते हैं। इस क्यू कार्ड में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक्टिविटी जिसके साथ जो मेरा कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। वो क्या है? वो म्यूज़िक है, ठीक है। म्यूज़िक है वो कंसंट्रेशन जिससे मेरा इम्प्रूव होता है, ठीक है। एक्चुअली आई लिसन इट व्हेन whether I feel frustrated or unable to concentrate on my work, so I give preference to music. So मैंने बोला कि मैं म्यूज़िक को तब सुनती हूँ जब मैं बहुत ही ज़्यादा frustrated फील करती हूँ, ठीक है, और मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ अपनी वर्क के ऊपर, अपनी स्टडीज़ के ऊपर। सो मैं क्या सुनती हूँ? मैं म्यूज़िक को सुनती हूँ, ठीक है। सिंगल आउट होता है प्रेफरेंस। मैं प्रेफरेंस किसको देती हूँ? म्यूज़िक को प्रेफरेंस देती हूँ जब मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ और जो मेरा कंसंट्रेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट था कि वो कौन सी है, तो हमने बता दिया म्यूज़िक है। सेकंड था कि आप कब करते हो, वो भी मैंने बता दिया, जब मैं फ्रस्ट्रेट होती हूँ और जब मेरा कंसंट्रेशन प्रॉपरली नहीं बनता तो मैं म्यूज़िक को सुनती हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, मोर ओवर इट वॉज ए टाइम ऑफ कोविड-19। कोविड-19 का टाइम है जब वो स्प्रेड हो चुका था पूरी दुनिया में, ठीक है। अलॉन्ग विद वी वर स्टक इन द हाउस, और हम सभी लोग घर पर फंस चुके थे, स्टक हो चुके थे, ठीक है। कोविड-19 का टाइम है जब कोरोना पैंडमिक क्या हो चुका था, स्प्रेड हो चुका था। जियोपार्डी होता है स्प्रेड होना, ठीक है। हम सभी लोग घर पर फंस चुके थे, ये तब की बात है। आफ्टर दैट आर ऑनलाइन क्लासेस वर गोइंग ऑन, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो चल रही थी, इसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू गिव माई बेस्ट। मैं अपना ऑनलाइन क्लासेस में बेस्ट नहीं दे पा रही थी, ठीक है। देयर फोर आई वॉज सर्फिंग ऑन द इंटरनेट, मैं इंटरनेट के ऊपर सर्फिंग कर रही थी, ठीक है। देन आई न्यू अबाउट हाउ टू बिल्ड कंसंट्रेशन विद द असिस्टेंस ऑफ म्यूज़िक, तो मुझे पता लगा कि हम कैसे कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? म्यूज़िक की हेल्प से, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा यहाँ पे आएगा म्यूज़िक, ठीक है। म्यूज़िक इज़ जस्ट रिलैक्सिंग थेरेपी फॉर मी, जो म्यूज़िक है ना वो मेरे लिए एक रिलैक्सिंग थेरेपी की तरह काम करता है। मीन्स मेरे माइंड को एकदम रिलैक्स कर देता है, ठीक है। नॉट ओनली माई मूड बट ऑल्सो अटेंटिवनेस लेवल स्टार्ट इम्प्रूविंग। रिलैक्स तो मैं होती हूँ लेकिन साथ साथ में जो मेरी अटेंटिवनेस है, ठीक है, जो मेरा मूड है वो भी इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ म्यूज़िक, ठीक है। आई लिसन टू म्यूज़िक अप्रॉक्सीमेटली फॉर 20 to 30 minutes। मैं 20 to 30 minutes तक सुनती हूँ उसको, एंड इट वर्क एज ए एनर्जी ड्रिंक फॉर मी विच एनहांस माई फोकस। ये जो म्यूज़िक है ये मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है। मीन्स म्यूज़िक को सुनने के बाद मेरे में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और जो मेरा फोकस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। इवेंचुअली दिस इज़ द ओनली एक्टिविटी प्रेफर्ड बाई मी फॉर कंसंट्रेशन। यही एक एक्टिविटी है जो मेरे द्वारा प्रेफर की जाती है, किसके लिए? कंसंट्रेशन के लिए। सो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि आपने कोई एक्टिविटी बतानी है जिसके साथ आपका कंसंट्रेशन क्या होता है, इम्प्रूव होता है। सो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि हम कंटेम्प्रेरी एरा में रह रहे हैं, हर एक पर्सन सक्सेस पाना चाहता है, ठीक है। सक्सेस को पाने के लिए वो दिन रात काम करता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको फोकस करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि कंसंट्रेशन तो हर एक पर्सन की लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इवन कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करती हूँ अपने कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि योगा हो गया, फिजिकल एक्टिविटी हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो मेरे द्वारा की जाती हैं जिससे कि मेरा कंसंट्रेशन इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। लेकिन इस क्यू कार्ड में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक्टिविटी जिसके साथ मेरा जो फोकस है वो इनकल्केट होता है, वो क्या है? वो म्यूज़िक है, ठीक है। मैं म्यूज़िक को सुनती हूँ जब मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील करती हूँ, जहाँ मैं अपने स्टडीज़ के ऊपर, अपने वर्क के ऊपर अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ, सो मैं म्यूज़िक को सुनती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि मैंने इसके बारे में रीड किया था जब कोविड-19 स्प्रेड हो चुका था पूरी दुनिया में और हम सभी लोग घर पर फंस चुके थे, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और ऑनलाइन क्लासेस के वजह से मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रही थी, मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा था ऑनलाइन क्लासेस में,
तो मैं इंटरनेट के ऊपर ऐसे ही सर्व कर रही थी, तो मुझे इसके बारे में पता लगा कि हम कैसे अपना जो कंसंट्रेशन पावर है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? म्यूज़िक की हेल्प से। असिस्टेंस होती है हेल्प, ओके। फिर लास्टली मैंने बोला कि जो म्यूज़िक है वो मेरे लिए एक थेरेपी की तरह काम करता है, क्योंकि इससे मेरा मूड भी अच्छा हो जाता है और जो मेरा अटेंटिवनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाती है, ठीक है। सो मैं सुनती कब तक हूँ, 20 to 30 minutes सुनती हूँ। ये मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है, क्योंकि इसको सुनने के बाद मेरा फोकस है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता है। सो यही एक्टिविटी है जो मेरे तरफ से प्रेफर की जाती है अपनी कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करने के लिए। कौन सी एक्टिविटी है? वो है म्यूज़िक। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा, ठीक है। सो इसी वजह से मैंने इस आइडिया को पिक किया है, क्योंकि ये स्टूडेंट लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। और जब भी आप लोग फ्रस्ट्रेट फील करते हो, सो मोस्टली आप लोग म्यूज़िक को ही सुनते हो। सो दैट्स वाई मैंने इस आइडिया को पिक किया, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया हो। अगर अब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ओके। सो अब हम लोग ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए फॉलोअप्स को स्टार्ट करते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न हाउ टू कंसंट्रेट? क्या ये चीज़ बच्चों के लिए ज़रूरी है कि उनको लर्न करना चाहिए कि हम कैसे कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करें, ठीक है। कंसंट्रेशन को कैसे हम इम्प्रूव करें उसके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। सो देखो इसका आंसर मैंने किस वे से दिया, एब्सोल्युटली पता होना चाहिए बच्चों को। इट इज़ इम्पैरेटिव फॉर किड्स, ये ज़रूरी है। इम्पैरेटिव होता है इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ ज़रूरी है बच्चों के लिए टू हैव सम इन्स एंड आउट रिलेटेड टू कंसंट्रेशन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए कि उनके पास इन्स एंड आउट होनी चाहिए। किससे रिलेटेड? कंसंट्रेशन से रिलेटेड। इन्स एंड आउट क्या होता है? इन्फॉर्मेशन। मीन्स बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किसके साथ रिलेटेड? कंसंट्रेशन के साथ रिलेटेड। बिकॉज इफ़ दे डोंट नो अबाउट द स्किल, अगर इस स्किल के बारे में बच्चों को नहीं पता है, देन इट विल क्रिएट डिस्पैरेट सॉर्ट ऑफ ट्रबल्स इन कम्प्लीटिंग देयर गोल्स। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अपने गोल्स को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। अगर उनको कंसंट्रेशन के बारे में नहीं पता तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से सफ़र करेंगे जब वो अपने गोल्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं, ठीक है। तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि उनके पास कंसंट्रेशन स्किल नहीं है। सो दैट्स द मेन रीज़न, उनके पास कंसंट्रेशन स्किल होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि ये चीज़ ज़रूरी है कि बच्चों को लर्न करना चाहिए कि कैसे हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। सो मैंने बोला हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कंसंट्रेशन से रिलेटेड। अगर उनको स्किल के बारे में नहीं पता तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ेगी अपकमिंग टाइम में, ठीक है। सो डिस्पैरेट होता है डिफरेंट, ट्रबल्स होती हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कैन एम्प्लॉयर्स डू टू हेल्प एम्प्लॉयज कंसंट्रेट? जो एम्प्लॉयर होता है वो कैसे एक एम्प्लॉय की हेल्प कर सकता है कंसंट्रेट को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। एक जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉय की कंसंट्रेशन पावर को कैसे इम्प्रूव कर सकता है वो हमने बताना है। सो देखो, देर आर मल्टीफेरियस थिंग्स डन बाय एम्प्लॉयर फॉर वर्कर्स। काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो की जा सकती हैं किसके द्वारा? एम्प्लॉयर के द्वारा अपने वर्कर के लिए, ठीक है। लाइक दे कैन ऑर्गेनाइज वेदर सेमिनार्स और टीचिंग क्लासेस। जहाँ तो जो एम्प्लॉयर है वो सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज कर सकता है, जहाँ फिर टीचिंग क्लासेस को ऑर्गेनाइज कर सकता है। वेयर दे एक्सपाउंड एवरीथिंग अबाउट कंसंट्रेशन, और उन सेमिनार्स में, उन टीचिंग क्लासेस में वो किसके बारे में टीच करेंगे? कंसंट्रेशन के बारे में टीच करेंगे। एक्सपाउंड होता है एक्सप्लेन करना, ठीक है। इसके अलावा दे कैन प्रोवाइड गुड इन्वायरमेंट फॉर वर्क, और काम करने के लिए अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहिए जिसमें बिल्कुल भी नॉइस ना हो, ठीक है। रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली उनका जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस होगी सो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्या करना? कंसंट्रेट करना। सो सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए? सो मैंने बोला काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो कर सकते हैं, जैसे कि वो सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, टीचिंग क्लासेस को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उन सेमिनार्स में, उन टीचिंग क्लासेस में वो बताएंगे किसके बारे में? कंसंट्रेशन के बारे में वो बताएंगे।
ठीक है। फिर इसके अलावा वो उनको अच्छा इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये चीज़ें हैं एक एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय के लिए कर सकता है। जो एम्प्लॉयर होता है वो हाई लेवल पे होता है और जो एम्प्लॉय होता है वो लो लेवल पे होता है, ठीक है। और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट काइंड्स ऑफ जॉब रिक्वायर हायर कंसंट्रेशन एट वर्क। किस टाइप की जॉब में हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कौन सी जॉब है जिसमें हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, बेसिकली हमसे उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। सो देखो इसका मैंने आंसर किस वे से दिया। एज़ पर माई एक्सपीरियंस, मेरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन इज़ इंडिस्पेंसिबल नॉट ओनली इन वन फील्ड बट ऑल्सो इन ऑल प्रोफेशंस। तो मैंने क्या बोला कि जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है ना, कंसंट्रेशन ज़रूरी होता है हर एक फील्ड में, एक नहीं सभी प्रोफेशन में, सभी तरह की जॉब्स में हमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, चाहे फिर वो प्रोफेशन कोई भी हो, उसमें हमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जैसे डॉक्टर हो गया, ड्राइविंग हो गया, टीचर हो गया, और भी जितने भी प्रोफेशन है, हमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। बट आई रेकन दैट, लेकिन मैं ये बात सोचती हूँ, इन क्रिएटिव वर्क कंसंट्रेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड एज़ कम्पेयर टू अदर। जो क्रिएटिव वर्क होते हैं ना, जो क्रिएटिविटी के साथ रिलेटेड वर्क होते हैं, पेंटिंग्स वगैरह हो गए, ठीक है, इसमें हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। और प्रोफेशन के कंपैरिजन हमें इस टाइप के जो जॉब्स होती हैं उनमें हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। जो आर्ट एंड क्राफ्ट आप बोल सकते हो, ठीक है, पेंटिंग्स के साथ रिलेटेड होती हैं, उसमें हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन क्या था, किस में हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? सो मैंने बोला सभी में हमें ज़रूरत तो पड़ती है कंसंट्रेशन की। अगर हम बात करें ज़्यादा की, तो वो क्रिएटिव फील्ड है जिसमें हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर फेल्ट डिफ़िकल्ट टू कंसंट्रेट। क्या आपके लिए कभी ये ऐसा हुआ कि आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़े कंसंट्रेशन में? सो देखो मैंने इसका आंसर कैसे दिया। सर्टेनली आई फेल्ट ट्रबल टू कंसंट्रेट प्रिसाइजली इवन प्लेथोरा ऑफ टाइम। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे प्रॉब्लम आई है कंसंट्रेशन करने में, ठीक है। ट्रबल होती है प्रॉब्लम, प्लेथोरा मीन्स बहुत सारी, प्रिसाइजली मीन्स प्रॉपरली, ठीक है। प्रॉपरली कंसंट्रेट करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। आई डीम दैट, मैं ये बात सोचती हूँ, द मोस्ट हरकुलिन टास्क फॉर मी इन दिस वर्ल्ड इज अटेंटिवनेस। पूरे वर्ल्ड में मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट काम क्या है, वो है अटेंटिवनेस, मीन्स कंसंट्रेशन करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हरकुलिन होता है डिफ़िकल्ट, ठीक है, हरकुलिन टास्क मीन्स डिफ़िकल्ट टास्क है। सबसे डिफ़िकल्ट टास्क पूरी दुनिया में मेरे लिए क्या है, कंसंट्रेट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, लास्ट सैटरडे आई वॉज नॉट एबल टू डू फोकस ऑन माई स्टडीज़ ओइंग टू नॉइज़। सो मैंने क्या बोला कि लास्ट सैटरडे मैं अपनी स्टडीज़ के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाई, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी, इसकी वजह से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाई, ठीक है। क्वेश्चन था कि डिफ़िकल्ट होता है, तो मैंने बोला हाँ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए, इवन कि मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है कंसंट्रेशन करने में, ठीक है। और मुझे ये भी लगता है कि पूरी दुनिया में मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट काम यही है कि मैं कंसंट्रेट करूँ, ठीक है। और लास्ट सैटरडे मैंने बहुत कोशिश की कंसंट्रेट करने की, लेकिन मैं उसमें सक्सेस नहीं हो पाई, किसकी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे नॉइस थी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन बोदर यू इन लाइफ। आपको किस तरीके की जो डिस्ट्रैक्शन है वो बोदर करती है, ठीक है। सो देखो इसका आंसर कैसे दिया मैंने। वेल काउंटलेस, बहुत तरह की डिस्ट्रैक्शन है जो मुझे बॉदर करती हैं, इवन आई कांट एक्सप्रेस इन टू वर्ड्स, और इतनी है कि मैं उनको वर्ड्स में आपको बता भी नहीं सकती, ठीक है। बहुत तरह की डिस्ट्रैक्शन है जो मुझे बॉदर करती हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा है ना, काउंटलेस है ना वो, कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे सकती, इतनी ज़्यादा है डिस्ट्रैक्शंस। एज वेल इवन दिस टेक्निकल एरा, जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी वाले एरा में रह रहे हैं, इधर फ़ोन और मशीनरी नॉइस बोदर मी, कि जो मशीनरी की नॉइज़ है, जब कभी कभी मैं स्टडी कर रही होती हूँ तो जब फ़ोन में मैसेजेस आती हैं, या फिर आप कह सकते हो फ़ोन की रिंग बजती है,
तो मेरा कंसंट्रेशन है वो टूट जाता है, वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करती हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से आई फील डाउन इन द डम्स। जब मशीनरी की वॉइस आती है या फिर फ़ोन में कुछ भी वॉइस आती है तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डाउन इन द डम्स फील करती हूँ, मीन्स बहुत ज़्यादा सैड फील करती हूँ, ठीक है। मोर ओवर ट्रैफिक जैम्स, ठीक है, एंड लाउड म्यूज़िक वॉइस लिटरली क्रिएट प्रॉब्लम इन माई स्टडीज़। जो मैंने क्या बोला, ट्रैफिक जैम्स और लाउड म्यूज़िक की जो वॉइस है ना, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा इरीटेट करती है। किस में इरीटेट करती है? मेरी स्टडीज़ में, मतलब इनकी वॉइस की वजह से मैं अपनी स्टडीज़ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन था कि कौन कौन सी डिस्ट्रैक्शन है, सो मैंने बता दी कि काफ़ी ज़्यादा मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। फ़ोन की हो गई, मशीनरी की हो गई, ठीक है, ट्रैफिक की होगी और लाउड म्यूज़िक की होगी, ये सारी जो वॉइस है मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, बॉदर करती है, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड शेयरिंग IELTS with MK चैनल।